हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है यूनिट ट्यूटोरियल सिकड़िया में। आइए हम लोग देखते हैं कूलॉम का नियम क्लास 12th का है। देखिए, हम लोग आवेश इससे पहले बैक वाले वीडियो में हम लोग बता दिए हैं। अब हम लोग देखें कूलॉम का नियम, और कूलॉम का नियम किसे कहते हैं, और कूलॉम का नियम का सत्यापन भी करेंगे, और इसमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट के बीमा देखेंगे, और इसमें मूल मात्रक के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्रकार के हम लोग वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कूलॉम के नियम जो बोलता है तो कैसे क्या कहता है। देखिए, कूलॉम का नियम बोलता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, मतलब इसमें जो आवेश लेना है स्थिर लेना है, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, दोनों बातें ही हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम उस प्रकार से हम लोग जो बोला है नियम से चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, ये जो नियम दिया गया है कूलॉम का, सेम हम लोग को गुरुत्वाकर्षण का फोटो कॉपी दिया हुआ है। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं M1 और M2 के F समानुपाती M1 M2 का गुणनफल होता है, उसी प्रकार से दिया हुआ है, उसी का फोटो कॉपी है सेम कूलॉम का नियम भी। देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए समान आवेश नहीं लेंगे, जैसे प्लस क्यू लेंगे और प्लस क्यू, तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागे, क्या होगा, दूर भागेगा, तो दूर भागेगा, इसलिए हम लोग समान आवेश नहीं लेंगे। तो हम लोग लेते हैं Q1 और Q2, तो ठीक है दो आवेश लेते हैं। ठीक है, तो जब दो आवेश हम लोग लेंगे तो इनके बीच की दूरी भी कुछ होगा। ठीक है, तो ये जो लिए हैं Q1 और इनके बीच की दूरी क्या होगा, R, क्या होगा, R। ठीक है, क्या होगा, R। तो बीच की दूरी जो है यह आपका क्या है, R। देखिए जैसे बोल रहा है उस प्रकार से दो स्थिर बिंदु आवेश, तो दो स्थिर बिंदु आवेश लगने वाले विद्युत बल कहेंगे, अर्थ आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुणनफल, Q1 और Q2 का क्या बोलता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब F F अनुक्रमानुपाती के गुणनफल, तो Q1 और Q2 का गुणनफल। देखिए जो नियम बोलते हैं बस उसी से चलते जाइए, आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विद्युत बल आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, बात एक ही होता है। यहाँ पर Q1 और Q2 F के ले लिए, और उसके बाद क्या बोलता है, तथा बोला उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती के मतलब अर्थ होता है नीचे में आएगा, तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² ये व्युत्क्रमानुपाती। तो हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकंड। ठीक है, तो देखिए समीकरण और एक दो से देखेंगे तो क्या हम लोग के प्राप्त होता है, समीकरण एक तथा दो से, एक तथा दो से, तो बात समझिएगा कि यहां पर दो समीकरण हम लोग लिए हैं, तो एफ समानुपाती Q1 Q2 गुणनफल में है बट्टा R² हम लोग के क्या हुआ, एक और दो से प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो क्या आएगा, F इक्वल कांस्टेंट के आएगा, Q1 इनटू Q2 बाय R² आएगा। ये जो आपका आया यह F के मतलब कूलॉम के नियम के आया। ठीक है, तो अब देखिए बात समझिए क्या, के जो है कांस्टेंट के का मान निर्भर करता है, अब जो के है क्या क्या पर निर्भर करता है, तो आप लोग देखिए समझिएगा बात को, के का मान निर्भर करता है, के का मान जो निर्भर करता है तीन बातों पर करता है। तो यहाँ पर पहला हम लोग समझेंगे, पहला क्या बोलता है, आवेशों के बीच दूरी पर, आवेशों के बीच दूरी पर, पहला आवेशों के बीच दूरी पर। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है, आवेशों के माध्यम पर, सेकंड बोलेगा आवेशों के माध्यम पर, आवेशों के माध्यम पर। ठीक है,
थर्ड आप लोग क्या बोलेगा, आवेशों और दूरी के मात्रक पर, आवेशों और दूरी के मात्रक पर, दूरी के मात्रक पर यहाँ पर देखिए के का मान जो कांस्टेंट है किस पर करेगा, आवेशों के बीच के दूरी पर, इसके बीच जितना भी दूरी रहेगा उस पर। आवेश कौन माध्यम है, निर्वात में या परावैद्युतांक में है, उस पर भी निर्भर करेगा कांस्टेंट, आवेश और दूरी के मात्रक पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए के का मान कितना होता है, चाहिए के मान जानते हैं। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान कितना होता है, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब उस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक निकालेंगे, और एप्सिलॉन नॉट होता है जो क्या होता है, निर्वात, निर्वात की विद्युतशीलता होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। तब इस प्रकार से हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर समझिए एफ और के मान पर रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2। तो एप्सिलॉन नॉट को निकालेंगे तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट को इधर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 F R2, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे, तो ये तो क्या संख्यात्मक है, कांस्टेंट है, तो कुछ होगा नहीं इसका, तो कांस्टेंट है यहाँ पर, और Q1 और Q2 आवेश है, तो आवेश के क्या हो जाएगा कूलॉम, तो दो है तो गुणनफल हो जाएगा, तो कूलॉम का स्क्वायर, कूलॉम का स्क्वायर। अब बल का बोलिए क्या होगा, न्यूटन, बल का न्यूटन होगा, और आर दूरी के क्या होगा, मीटर, और यहाँ पर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए कूलॉम के क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट के मात्रक आपसे पूछेगा, तो बोल सकते हैं कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, यह आपका क्या निकला, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब इसको हम लोग बीमा निकालना चाहेंगे, तो बीमा किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, तो देखिए समझिएगा उसका, यहाँ पर बीमा ही बीमा में बता देते हैं, एप्सिलॉन नॉट का बीमा, तो बीमा देखिए क्या हो जाएगा, कूलॉम के क्या होगा 80, तो 80 लिख दिए, बड़ी कोष्ठ में रखते हैं बीमा को, स्क्वायर होता स्क्वायर, और न्यूटन के क्या होगा बीमा MLT-2, और मीटर का क्या हो जाएगा L का स्क्वायर। अब इसको हम लोग स्विच कर लेंगे, तो यहाँ पर साफ करते हैं साइड में, तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर देखिए 80 है, तो इसको ऊपर जाएगा, तो पहले M क्या हम लोग लिखते हैं बीमा, तो M-1 हो जाएगा, फिर L है तो L स्क्वायर ऊपर, यहाँ पर 1 है 2 तो 3, तो M L-3, ठीक है। उसके बाद T है यहाँ पर 2, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर एक और आ जाएगा, तो T3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर A बच गया आपका, मतलब एम्पियर होता है जो, तो एम्पियर बच जाते, ये तो ऊपर ही है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर टी ऊपर जाएगा तो 2, ठीक है, यहाँ पर ए ए स्क्वायर हो जाएगा, और टी हो जाएगा यहाँ पर 2, और 2 4 हो जाएगा, इस पर T4 हो जाएगा, ठीक है। तो बीमा हम लोग बोल सकते हैं M-1 L-3 T4, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ए के स्क्वायर, यह क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट के
बीमा हो गया। उसके बाद हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मान देखिए, इसका मात्रक भी देख सकते हैं। तो देखिए इसका मूल मात्रक पूछेगा, तो मूल मात्रक किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए मूल मात्रक, तो मूल मात्रक जैसे मीटर के क्या हो जाएगा, केजी, मतलब मास के क्या हो जाएगा, केजी, तो केजी इनवर्स। और लंबाई के क्या होता है, लंबाई का आपका क्या हो जाएगा, मीटर। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मीटर जो है लिख देंगे, और टाइम का सेकंड लिख देंगे, सेकंड पर -4 है, और एम्पियर मतलब धारा, तो एम्पियर के स्क्वायर। यह आपका क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। यहाँ पर स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ पर निकाल दिए हैं, कूलॉम के स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का बीमा भी निकाल दिए हैं और मूल मात्रक भी निकाल दिए हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान, तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे। चलिए तो हम लोग देखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान, तो एप्सिलॉन नॉट का मान किस प्रकार से होगा, तो देखिए क्या है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10^9, इतना होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का हम लोग निकालेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट के कितना हो जाएगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, मतलब यह नीचे आ जाएगा, तो 4 पाई × 9 × 10^9, तो बात समझिएगा। तो 1/4 है, तो 4 पाई का मान कितना हो जाएगा, 3.14 × 9 × 10^9। अब टाइम मिले आपको तो इसका गुना भाग कर लीजिएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, 8.86 × 10^10 आपका कितना हो जाएगा, -12 कूलोम मीटर, कूलोम 10^-12 कूलोम के स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 × 10^-12 कूलोम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नोट साथ में बनाते चलिएगा, यहाँ तक हम लोग बता दिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स।